हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एचडीएफसी एएमसी का छोटा भाई आप कहोगे इसको, क्यों? क्योंकि भाई एक ही इंडस्ट्री में एक बड़ा प्लेयर है, एक छोटा प्लेयर है। रिजल्ट के साथ साथ आज डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट करी है, बहुत ही बढ़िया बात भाई। लेकिन शेयर कौन सा है? एचडीएफसी एएमसी। अब आप समझ तो जरूर गए होंगे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ऐसी ही एक और कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, रिलायंस निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। पहले इसका नाम था, लेकिन अनिल अंबानी जी अब निकल चुके हैं। जहां पे अनिल अंबानी जी आते हैं, एक खतरा जरूर दिखता है कि स्टॉक का प्राइस भाई गिरे ना, लेकिन यहाँ पे वो अब साइड हो चुके हैं, इसीलिए कंपनी का अब नाम भी चेंज होके निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन चुका है। तो उसके बाद अब देखिए, शेयर ने जब से अनिल अंबानी जी निकले हैं तो बढ़िया मजबूती दिखाई है, लेकिन फिलहाल जो रिजल्ट आया है उसमें मजबूती दिख रही है नहीं दिख रही है, वो भी जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन, चाहे वो फंडामेंटल्स हो, चाहे वो टेक्निकल्स हो, चाहे वो रिजल्ट्स हो, सारी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त जानकारी मिलती है। और साथ के साथ अगर आप अब तक डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया आपने और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए पहली रिक्वायरमेंट होती है डीमैट अकाउंट की। तो जाइए अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब मैं सीधे लेके चल रहा हूँ आपको स्टॉक की तरफ, एचडीएफसी एएमसी, जिसका ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और एएमसी में एक टॉप की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। लेकिन हम कहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी की। बहुत ही जबरदस्त ये कंपनी, 346 का प्राइस है, 20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पहले तो लोग डरते थे इस कंपनी से कि भैया अनिल अंबानी जी का नाम इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए डरते थे। लेकिन अब लोग जब से वो निकले हैं तब से वो इंटरेस्टेड हो गए हैं। और इस कंपनी की अगर मैं डिटेल दिखाऊं तो बहुत ही जबरदस्त डाउनफॉल के बाद एक पॉजिटिविटी दिखाई है शेयर ने, एक पॉजिटिविटी डाउनफॉल के बाद। पहले रिजल्ट को देखते हैं, फिर आगे की चीजें बाद में देखेंगे। अब रिजल्ट की जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, रिजल्ट कब आया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिजल्ट कब आया वो है। और उसके बाद रिजल्ट देखिए, आज पौने तीन बजे के आसपास रिजल्ट आया है। रिजल्ट में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया, पहले वो देखिए आप, डिविडेंड 3 रुपए का डिक्लेयर किया गया है और डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो 4 फरवरी की रखी गई है। अब जब भी आप डिविडेंड और बोनस के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो, कोई कंपनी अनाउंस करती है, तो इस चीज को अपने ध्यान में रखें कि उसकी रिकॉर्ड डेट कब है, क्योंकि उसी रिकॉर्ड डेट पर अगर आपके नाम पे शेयर होगा तभी आपको या तो डिविडेंड मिलेगा जो भी उसने अनाउंस किया, या बोनस मिलेगा। तो ये रिकॉर्ड डेट काफी इंपॉर्टेंट डेट होती है। और अगर इसके बारे में आपको डिटेल में देखना है, समझना है कि कैसे मैं कैलकुलेट करूं कि मुझे डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने हेल्पफुल वीडियो जहाँ डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दिया, आप उनको देख सकते हो, उनसे आपको हेल्प जरूर मिलेगी। 3 रुपए का डिविडेंड है और डिविडेंड की पेमेंट जो है वो फरवरी 10 से पहले या 10 तक हो जाएगी आपको। चलिए, और दूसरी चीज, बहुत सारे व्यूअर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि डिविडेंड क्या सीधे अकाउंट में आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, डिविडेंड सीधे अकाउंट में आता है आपका, और लास्ट में जब आप ITR फाइल करते हो तो उस टाइम पे आप पूरा का पूरा अपनी डिविडेंड, पूरी साल की, पूरे फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट देख लीजिए, कहाँ कहाँ से कौन से डिविडेंड आया है, उन सबको जोड़ लीजिए। अगर आपका वो जो भी 10 लाख से कम होता है तो उसके ऊपर आपको टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना, वो टैक्स फ्री इनकम है आपकी, ये जरूर ध्यान दें, ये समझे। कई लोग डिविडेंड को टैक्स बचाने के लिए भी यूज करते हैं, शेयर में को खरीद लेते हैं, फिर उसके बाद उसको आपका जो डिविडेंड उनको मिल जाता है, फायदा हो जाता है, शेयर को भेज देते हैं। इस तरीके से भी लोग टैक्स सेविंग यूज करते हैं, क्योंकि 10 लाख तक की इनकम जो डिविडेंड है वो टैक्स फ्री है। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, रिजल्ट देखिए आप कैसा रिजल्ट रहा ओवरऑल। अब देखते हैं टोटल इनकम की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आप क्लियरली देखिए निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये है, एचडीएफसी का छोटा भाई हम इसको कह रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कैसा रहा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल इनकम की मैं बात करूँ तो मुझे 360 करोड़ का टोटल इनकम इस क्वार्टर में देखने को मिला, 360 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में 322 करोड़ था, क्योंकि ये सारे नंबर जो है करोड़ में है, और पिछले साल दिसंबर में ये नंबर 403 करोड़ था। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं पूरे 9 महीनों की बात करूं, यानी कि 3 क्वार्टर की बात करूं अब तक, तो 1252 करोड़ पिछले साल के 9 महीने में था, लेकिन इस बार कम है ये पूरे 9 महीने के हिसाब से देखा जाए। और पिछले साल दिसंबर के कंपैरिजन में भी क्लियरली आप देख पा रहे हो कि 43 करोड़ के आसपास की गिरावट यहाँ पे टोटल इनकम में देखने को मिल रही है। तो क्या प्रॉफिट में क्या होगा वो देखते हैं। अब उससे पहले देखिए यहाँ पे जो अच्छी खबर ये है कि एक्सपेंसेस जो 240 करोड़ के थे उसको घटा के 163 करोड़ कर दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इसका मतलब सीधे सीधे प्रॉफिट बढ़िया होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस में कटौती की गई है, जो अदर एक्सपेंसेस थे 83 करोड़ के वो गिर के यहाँ पे 62 करोड़ है, जो कि अच्छी बात है।
इसके अलावा आप देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स सीधे सीधे 163 करोड़ से 193 करोड़ का, यानी कि सीधे सीधे 30 करोड़ का जंप मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड में देखूं अगर तो सीधे 109 करोड़ से 149 करोड़, 40 करोड़ का जंप सीधे सीधे प्रॉफिट में, बहुत ही बेहतरीन मैं कहूंगा 40 करोड़ का जंप, यानी कि मोर देन 35 से 40% के आसपास का ये जंप क्लियर कट मुझे देखने को मिल रहा है। अच्छा नंबर ये है, जिस हिसाब से आपने देखा कि टोटल इनकम में गिरावट थी उसके हिसाब से यहाँ पे सीधे सीधे जो प्रॉफिट है 109 करोड़ से बढ़ता हुआ 149 करोड़ तक गया है, इंप्रेसिव नंबर। लेकिन यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखिए 1.79 से बढ़ता हुआ 2.44 गया है, पॉजिटिव बात। रिलायंस निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि अब निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी है, रिलायंस का नाम हट चुका है, अनिल अंबानी जी यहां से साइड हट चुके हैं, मुकेश अंबानी जी नहीं, अनिल अंबानी जी की ये कंपनी थी वो यहां से साइड हट चुके हैं। अब देखते हैं टेक्निकल चार्ट पे इस स्टॉक को, टेक्निकली देखिए इस शेयर को, जरा समझिए इस शेयर को। ये शेयर जो है बड़ी गिरावट इसने देखी थी, मार्केट में आया था 2017 में ऑलमोस्ट नवंबर के आसपास, और उसके बाद ये देखिए जनवरी 2018 में ये पीक इसने बनाया था ऑलमोस्ट 330 के आसपास, लेकिन वो बड़ी गिरावट आप देखिए, और उसके बाद ये बड़ी गिरावट जो इस स्टॉक को 130 के लेवल तक ले आई थी, 130 के लेवल तक ये शेयर आ चुका था, और वहाँ उसके बाद क्या जंप देखने को मिला है। ये तो मंथली चार्ट है, और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर डाउन ट्रेंड हो या फिर अप ट्रेंड हो, आपको जो ट्रेंड देखने को मिलेगा वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये बेसिक्स हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी, बहुत मदद। आप देखिए कि किस तरीके से जब मार्केट में आया था जंप जरूर आया, लेकिन बड़ी करेक्शन, ये वीकली चार्ट की मैं अभी बात कर रहा हूँ, करेक्शन के बाद बिल्कुल एकदम बहुत ही बेहतरीन जो डेफिनेशन होती है, जो परिभाषा होती है डाउन ट्रेंड की, उसको फॉलो करता हुआ। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, कोई भी डाउन ट्रेंड ऐसा नहीं कि एकदम ही नीचे गिर जाएगा, एक बीच में एक ये डाउन ट्रेंड का आप इसको मान के चलिए कि जो ये रैली आई है डाउन ट्रेंड का करेक्टिव फेज है, ये इंपल्स था, ये करेक्शन थी, अगेन एक इंपल्स आया डाउन ट्रेंड के लिए, और फिर से एक यहां पे पॉजिटिव नोड आया, ये करेक्शन। अब देखिए अब इंपॉर्टेंट बात, अभी तक यहां तक ये मान के चलिए कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू था, लेकिन अब जो आप देख पा रहे हो वो बिल्कुल ध्यान से देखे, फिर से नीचे जब ये इंपल्स वाला फेज आया, यानी कि ये वाला फेज आया, तो आप देखिए यहां पे जो स्टॉक है इससे वापस आ गया, यानी कि लोअर लो जो बनाता है, जो डाउन ट्रेंड की परिभाषा है कि लोअर लो फॉर्मेशन होगी, वो लोअर लो नहीं बन गया, ये लो यहीं पे रुक गया और ये सिमिलर लोज बन गए। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड टूट गया, ये मतलब एक साइन था कि हाँ भाई लोअर लो नहीं बना, लेकिन आइडेंटिफिक जो कन्फर्मेशन वो कब होगी, जब हमारे पास नया हाई मिलेगा हमको, तब कन्फर्मेशन होगी, यानी कि इस हाई को तोड़ना इम्पोर्टेंट था, इस हाई को तोड़ना इंपॉर्टेंट था। तो आप देखिए क्लियर कट जब ये जंप आया, ये हाई टूटा और एक नया हाई बना, दिस इज द साइन ऑफ द ट्रेंड रिवर्सल, नाउ द चार्ट इज गिविंग यू अ न्यू हायर हाई। देखिए हायर हाई बनता हुआ, एंड सबसे अच्छी बात मैं आपको ध्यान देखिए इसको सुनिए, ये बताता हूँ, अगर आपको कहीं पे ब्रेकआउट के टाइम पे कंसोलिडेशन दिखता है, इट मीन्स अ स्ट्रांग पॉजिटिव साइन। आप ये देखिए दिस कंसोलिडेशन ऑफ सेवरल वीक्स एट द ब्रेकआउट लेवल, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये 200 का लेवल है जिसके आसपास काफी कंसोलिडेशन हुई थी, इसका मतलब बहुत ही पॉजिटिव, एक टाइट रेंज में ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा था। अभी मैं आपको जो रेंज दिखाऊंगा वो डेली चार्ट के हिसाब से बताऊंगा, वो देखिए आप, एक टाइट रेंज जो ये थी, यानी कि इसका भी एक ब्रेकआउट आएगा। अब ये ब्रेकआउट की रेंज तो थी, लेकिन ये टाइट जो रेंज थी इसका ब्रेकआउट आना इंपॉर्टेंट था, और उसके बाद ये नई सीढ़ी तैयार चढ़ा, और फिर से जंप करने के बाद कंसोलिडेशन एट द टॉप ऑफ द प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल आप देख सकते हो, यानी कि फिर से जंप आना जरूरी है, और अगला जंप आप देखिए किस तरीके से आया, फिर से स्टॉक नीचे आया और इन रेंज में एकदम एक रिट्रेसमेंट काइंड ऑफ थिंग थी, और आप देख सकते हो कि कितनी रैली। तो ये बेसिक्स हैं टेक्निकल के, इनको समझेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको हाथ लगेंगे। अब फिलहाल आप देखिए यहाँ पे किस चीज को, डेली पैटर्न पे, अब जो डेली पैटर्न पे मैं आपको रेंज दिखा रहा था, आप देखिए इसमें हाई लो एक फ्लैट काइंड ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ पे आप देख पा रहे हो किस तरीके से बनी, और जो मेन रीजन था वो 210 का ये रीजन था, इसको पार करते ही शेयर में बड़ी रैली देखने को मिल रही है, और आज की डेट में ये शेयर जंप कर गया, प्रॉफिट में बेहतरीन उछाल है, लेकिन जो है टोटल इनकम में गिरावट है, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे शेयर की हम रख नहीं सकते यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो फॉर्मेशन मैं देख रहा हूँ
वो कुछ इस तरीके से बन रही है, पीक बनाया इसने, उससे पहले का आप हाई देखे और इसके बाद के हाई देखे, जो हायर हाई काइंड ऑफ फॉर्मेशन मुझे नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो लो जो है, यहाँ पे जिसको हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर में एक नेक लाइन काइंड ऑफ कहते हैं, तो 318 की जो ये रेंज है, 318 कहूँ या मैं 324 इसको कहूँ, 324 से 18 की जो रेंज है, अगर ये टूटती है तो स्टॉक में हम थोड़ा सा नीचे और करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं, और 290 का ये जो सपोर्ट है ये काम आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि किस तरीके से जो आपके लोअर हाईज इसमें बनने लग गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दें इसको। ये हमने बात करी निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, एचडीएफसी लाइफ का छोटा भाई, प्रॉफिट जबरदस्त दिख रहा है लेकिन टोटल इनकम में कमी देखने को मिल रही है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान दें, समझे। और फिलहाल वाइंड अप करते हैं वीडियो को, और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करता तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।